तो आइए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोत्साहन राशि। सबसे ज़्यादा आप लोग प्रोत्साहन राशि कैसे पाएंगे, सभी आंगनबाड़ी सेविका ध्यान से देखें। यहाँ पे आप लोग को जो है ये लेटर जारी किया गया है ICDS से। सबसे पहले आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे जो है 27/2/2024 का ये लेटर जारी किया गया है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे निर्देशक में जो है ICDS निर्देशालय बिहार पटना। नीचे आएंगे और यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार, यानी कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिहार। यहाँ पे आप लोग देखेंगे विषय में, जैसे कि पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य करने पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु निर्धारित मापदंड में संशोधित के संबंध में, यानी कि आप लोग देखेंगे कि आप लोग को जो भी उत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छा जो भी काम करेंगे उनको जो है किस तरह से जो है प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे और आप लोग को जो है दिया भी जा रहा है। और सबसे पहले आप लोग को ध्यान दें कि यहाँ पे आगे आएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि महाशय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य करने पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि आप लोग को भी पता है कि आप लोग प्रोत्साहन राशि पाते हैं पोषण ट्रैकर में काम करके, लेकिन आप लोग को जो है कितना काम करने पे आप लोग को कितना प्राप्त होगी ये सभी आप लोग जरूर जाने। आप लोग को जो है हर महीना आप लोग को पता ही है कि आप लोग जो भी काम करेंगे अगर आप लोग सही से करेंगे तो आप लोग को जैसे ही 100% होगी तो आप लोग को जो है प्रोत्साहन राशि के तौर पर आप लोग को उसी के अनुसार जो है दिया जाता है। जैसे कि देखिए अभी आप लोग देखेंगे तो सारणी आप लोग देख सकते हैं, नीचे आएंगे जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु प्रावधान की निर्देश अनुसार संशोधित किया गया, यानी कि आप लोग देखेंगे तो इस तरह से जो है संशोधित किया गया है, जो कि आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट नंबर में आप लोग देख सकते हैं कि ये संशोधित प्रोत्साहन राशि जो मासिक है। जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धि यानी कि पोषण ट्रैकर के अनुसार केंद्र के 0 से 6 वर्ष के कम से कम जो है आप लोग देखेंगे तो 80% बच्चे का मासिक रूप से जो है वृद्धि निगरानी किया जाना एवं, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को जो है 0 से 6 वर्ष तक के होंगे जितने भी बच्चे उनको जो है आप लोग को जो है महीना का प्रथम सप्ताह में जो है आप लोग को वृद्धि निगरानी करनी है, वो भी आप लोग को जो है 80%। अगर आप लोग 80% करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मासिक आप लोग को रुपया कितना है, यानी कि 300 रुपया आप लोग यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी कि इस तरह से जो है आप लोग को जो है अगर वृद्धि निगरानी जैसे कि फर्स्ट माह होती है और 7 दिन के अंदर में अगर आप लोग को जो है 0 से 6 माह के जितने भी बच्चे हैं उनको जो है 80% आप लोग करते हैं तो आप लोग को जो है प्रोत्साहन राशि के तौर पे जो है आप लोग को 300 रुपया आप लोग को बनेगी। तो सभी आंगनबाड़ी सेविका फटाक से जो है अब आप लोग जो है ध्यान से जो भी कार्य है वो करेंगे। यहाँ पे आएंगे सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पोषण ट्रैकर के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका द्वारा जो है गृह भ्रमण यानी कि गृह भ्रमण के दौरान आप लोग को जो भी काम है यानी कि आप लोग को जो है 60% आप लोग को जो है किया जाना है, तो आप लोग जो है घर घर जाके जो है आप लोग करते हैं वृद्धि निगरानी और उनको जो है दोनों मिला के जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को 300 रुपया दिया गया है। आगे आएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोषण ट्रैकर के अनुसार जो है टेक होम राशन यानी कि जो है THR कम से कम 75% आप लोग को जो है होना है तभी आप लोग को जो है 100 रुपया बनेगी। इसी तरह से जो है पोषण ट्रैकर के अनुसार कर्म पका हुआ भोजन यानी कि जो है SCM का जो है कम से कम 75% जो है आप लोग को करनी है तो भी आप लोग को जो है 100 रुपया आप लोग को मिलेगी। तो इस अनुसार जो है आप लोग को जो है प्रोत्साहन राशि पाने के लिए आप लोग को जो है इतना परसेंट आप लोग को उठानी होगी, यानी कि 0 से 6 माह तक के बच्चे को जो है 80% और उसे के बाद आप लोग को जो है 60% आप लोग को वृद्धि निगरानी में आप लोग को करनी है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो THR में जो 75% करेंगे और आप लोग जो है SCM जो है 75% करेंगे, तो ये सब आप लोग करेंगे तभी आप लोग प्रोत्साहन राशि पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे उक्त के आलोक में जो है निर्देशित करना है कि तत्काल प्रभावित से उपरांत संशोधित प्रावधान के अनुसार ही योग्य आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यानी कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को जो है ये उपर्युक्त के अनुसार अगर आप लोग जो भी काम करेंगे इस तरह का तो उन्हीं को जो है आप लोग को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। बाद बाकी आप लोग जरूर समझ गए होंगे और भी न्यूज़ पाने के लिए आप लोग आंगनबाड़ी हेल्पलाइन को जो है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले कि आप लोग को इस तरह का जो है न्यूज़ पाते रहेंगे। तो थैंक यू।